हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि इसके पिछले ही मैंने वीडियो बना दिया है कि मॉक टेस्ट एग्जाम किन किन स्टूडेंट का होने वाला है, FISY, BCOM, BMS, सेल्फ फाइनेंस के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो जाइए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, या इस वीडियो के एंड में भी आपको वो मिल जाएगा, या मेरे आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बोला था उसी वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कब चालू होगा, कितने बजे चालू होगा, कैसा क्या है, मतलब पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास से उसी को रिलेटेड आपको एक और नोटिस आया है कि मॉक टेस्ट के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो देखते हैं, दिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, 1 आवर का आप लोगों का मॉक टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, याद रखना, मुंबई यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट आपके इंटरनल एग्जाम के पहले कंडक्ट करता है, राइट। दोस्तों, आपका इंटरनल एग्जाम का मैंने आपको बता दिया है, तो दोस्तों इंटरनल एग्जाम के पहले यूनिवर्सिटी ने मॉक टेस्ट एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है। मॉक टेस्ट एग्जाम कौन से तारीख को है, तो दोस्तों 16 नवंबर 2023 सुबह 9 बजे से चालू होगा, 17 नवंबर 2023 तक का एग्जाम चलेगा। पूरा मॉक टेस्ट जो एग्जाम होगा वो 24 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 18 तारीख से आपका इंटरनल एग्जाम चालू हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जैसे कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बताया था। देखिए, ये पूरा मैंने बता दिया था कब कैसे क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं। तो देखिए, 16-17 को आपका मॉक टेस्ट है, लेकिन 18 तारीख से आपका इंटरनल मेन एग्जाम आपका चालू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसके नीचे और हम आगे अभी देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को मॉक टेस्ट एग्जाम देना है आपके इंटरनल एग्जाम के पहले। अच्छा, ये क्यों देना है, रीजन दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल चाहता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, तो आप आपके इंटरनल एग्जाम में कोई गलती ना करो, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक बार मॉक टेस्ट एग्जाम रखा है कि आप किधर कौन सा की बटन है, किधर से सेव करना है, किधर रिव्यू में डालना है, मतलब हर एक चीज के बटन्स आपको उधर दिए गए हैं, कौन सा आंसर देके आगे बढ़ना है सेव करके, या किसी को पेंडिंग में रखना है, बाद में मैं आके आंसर दूंगा, मैं कभी उसका आंसर याद नहीं, तो वो सब बटन है जो आपको मॉक टेस्ट एग्जाम में आपको देते ही आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है, कैंडिडेट विल रिसीव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को मॉक टेस्ट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया गया होगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। कहाँ दिया होगा सर, तो दोस्तों आप लोगों ने जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया होगा या रजिस्टर ईमेल आईडी दिया होगा, दोनों जगह पे आपको वो मैसेज आ गया होगा, तो जाइए और पहले आप जाके वो मैसेज देखिए। अच्छा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोनों मिल गया है और दोनों पे आपको दे दिया गया होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ईमेल पे या मोबाइल नंबर पर मॉक टेस्ट का यूजर आईडी, ठीक है, और पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, और वो जो चालू रहने वाला है सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे के दौरान, मतलब आपको एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मॉक टेस्ट का, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तब आप इस नंबर पे कॉल करोगे, ठीक है, सिर्फ संडे के दिन छोड़ के। अच्छा, द आइडियल हेल्पलाइन नंबर, अच्छा आइडियल ने भी हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया हुआ है, ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, आपको इधर दिख रहा होगा, ये 2 हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है, ओनली अवेलेबल बिटवीन ऑफिस आवर्स, जो ऑफिस आवर्स होता है मतलब एक 9 बजे से 5 बजे या 10 से 5 बजे का एक टाइम समझ लीजिए, इसी के बीच अगर एग्जाम के रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है वो देख लीजिए, प्लीज नोट दैट द मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द मॉक टेस्ट एज वेल एज फर्स्ट एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस फॉर वो ये ऑनलाइन एग्जाम
देने के पहले, मतलब इंटरनल एग्जाम देने के पहले आपको ये मॉक टेस्ट एग्जाम सभी स्टूडेंट को कंपलसरी देना है, मैंडेटरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी एक अपडेट चले जाते हैं कि इतने इतने मतलब हजार स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो एक करते कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए। साथ में ही दोस्तों उन्होंने हेल्पलाइन नंबर रिलीज करके रखा हुआ है, अगर आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम चालू रहेगा वो ऑनलाइन एग्जाम टाइम विल बी मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9 AM तक रहने वाला है, मतलब 24 आवर्स के लिए आपके पास ये मॉक टेस्ट एग्जाम चालू रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए अपडेट के साथ आने वाला हूँ, जल्द ही आने वाला। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज चैनल पे कमेंट कीजिए। मुझे 3 स्टूडेंट का इसके पिछले वाले वीडियो में कमेंट मिला हुआ है कि सर हमने जुलाई का एडमिशन लिया हुआ है, हमारा एग्जाम कब होने वाला है, ऐसे कुछ स्टूडेंट ने सवाल किए हैं और डेफिनेटली मैं उनका आंसर देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।